इतनी सहजता से परमात्मा का, लोग कहते हैं नामदेव जी को भगवान मिल गए, जनाबाई को भगवान मिल गए, तुकाराम जी को भगवान मिल गए, संत तुकाराम जी की भक्ति से भगवान मिले, मीराबाई को भगवान मिल गए, कर्माबाई को भगवान मिल गए, रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान मिल गए, चैतन्य महाप्रभु जी को भगवान मिल गए, श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान मिल गए, श्री निम्बार्काचार्य जी को भगवान मिल गए। क्या इतनी सरलता से भगवान मिल जाता है? आज आप लोग एक कथा अपने घर में, श्रीमद् भागवत हो तुम्हारे घर में, अगर भागवत जी रखी हो तो वेद व्यास जी की गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भागवत को पढ़ना। देवऋषि नारद ध्रुव महाराज की भक्ति को देखकर ईर्ष्या कर गए। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद को ईर्ष्या आ गई। देवऋषि नारद ने भगवान से कहा, यह कोई बात होती है? हमें तप करते करते पूरी जिंदगी निकल गई और ध्रुव जी महाराज 4 साल के और उनको नारायण का दर्शन हो गया, प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के उनको भगवान का दर्शन हो गया, मीराबाई 6 वर्ष की उनको भगवान का दर्शन हो गया, कर्माबाई 9 वर्ष की उसको भगवान का दर्शन हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी 12 वर्ष के उनको भगवान का दर्शन हो गया, नामदेव जी 8 वर्ष के उनको भगवान का दर्शन हो गया, संत तुकाराम 3 वर्ष के उनको भगवान का दर्शन हो गया, जनाबाई 7 वर्ष की उनको भगवान का दर्शन हो गया, संत एकनाथ जी 3 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। देवऋषि नारद को थोड़ी सी ईर्ष्या जा गई और देवऋषि नारद ईर्ष्या भरकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण से कहा, यह बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने 4 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दे दिया, मात्र 4 वर्ष की अवस्था, और हमारी पूरी जिंदगी निकल गई तप करते करते, श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण जपते जपते पूरा जीवन निकल गया, ये कोई तरीका है आपका? भगवान विष्णु ने कहा, पहले शांति रखो फिर बोलो हुआ क्या है, बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो, बोलो क्या बात है? ध्रुव जी को 4 वर्ष की अवस्था में दर्शन हो गए, हमको पूरी जिंदगी निकल गई दर्शन नहीं हुए, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, अरे नारद तुम समझते नहीं हो, तुम्हें इतनी विवेक इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हें, ध्रुव जी महाराज कोई आज से तप कर रहे हैं क्या? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई तप करते 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 करते, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म ना जाने कितने कितने जन्म ध्रुव जी महाराज के निकल गए। अब ध्रुव जी महाराज के जन्म निकलते निकलते तप करते करते उनका समय तप की अवधि समाप्त हो रही थी, इसलिए भगवान ये नहीं देखते कि कितने वर्ष का है, उसके तप की साधना कितनी हो गई, भगवान ने ये देखा तब भगवान ने दर्शन दिया है, तब भगवान पहुंचकर दर्शन प्रदान करें। जो देवऋषि नारद से भगवान नारायण ने कहा वो आप अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। सुनो नारायण, भगवान की कथा में, शिव महापुराण में, सत्संग में, मंदिर के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर और भगवान की अविरल भक्ति में जब व्यक्ति कई जन्म निकाल देता है तब साधना करते 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 करते, जैसे आप में से कोई कोई माताएं ऐसी होंगी जिनकी उम्र 30 वर्ष होगी, 30 साल पहले वो भगवान को लोटा भर के जल नहीं चढ़ाती थी, कोई कोई माता ऐसी होगी 15 साल की जो 15 साल के पहले भगवान को जल नहीं चढ़ाती थी, कोई कोई 60 साल का व्यक्ति बैठा होगा 60 साल के पहले शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ाता था, सब दूर जाता था पर शिव के मंदिर नहीं जाता था, आखिर 60 साल के बाद तुम 62 साल के हो गए 63 साल के हो गए तब तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर में लोटा भर के चढ़ा रहा, तुम्हारा मन शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा चित्त शंकर की भक्ति में लग गया, तुम्हारा मन हरि विट्ठल की भक्ति में लग गया, जरा विचार करो ऐसा क्यों हुआ? जो 40 साल में नहीं हुआ, जो 20 साल में नहीं हुआ, जो 30 साल में नहीं हुआ, आज तुम्हारा मन शंकर जी के मंदिर जाने का करता है, एक लोटा जल चढ़ाने का करता है, वो क्यों? तो भगवान नारायण ने कहा, नारद जब व्यक्ति की तप साधना होते 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 समय बीत जाता है तब वो जब शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाए, मेरे मंदिर तक आ जाए, मेरी सेवा में लग जाए, तो समझ लेना कि उसकी 1000 वर्ष की तप साधना पूर्ण हो गई, तो मैंने उसको दर्शन दिया। कोई आज की तप साधना नहीं है, आप पंडरपुर की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में बैठकर कथा सुन रहे हो, धूप में बैठे हुए हो,
जगह नहीं है पूरे ग्राउंड के अंदर, तो बाहर जहाँ जहाँ तुम लोगों को जगह मिल रही पेड़ के नीचे अपने चादर लगाकर, डंडियाँ बांधकर, छाता लगाकर, जैसी तुमको जगह मिली वैसी जगहों में तुम बैठ गए। आखिर क्या कभी कथा तो सुनी, स्मरण भी करा, पर तुम्हारे भीतर जो जागरूकता उत्पन्न हुई है, तुम्हारे भीतर जो शिव के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव आज का नहीं है, तुम्हारे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, उस जन्म के बाद आज तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव आकर बैठ गया, नारायण आकर बैठ गया, पांडुरंगा आकर बैठ गया, हरि विट्ठल आकर बैठ गया, तब तुम्हारा मन अब भगवान की भक्ति में रमा है, तब भगवान का दर्शन तुमको हुआ है। नहीं तो ये भगवान का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। इन लाइनों को हम हर कथा में गाते हैं, उसका केवल एक कारण है कि आपके मुख से निकले कि आप उसके भरोसे हो, आपके मुख से निकले कि आप उसके सहारे हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपको और कुछ बोलना आता है कि नहीं आता, एक ही एक लाइन गाते जाते हो। कई लोग कहते हैं गुरुजी रेडियो भी चैनल चेंज करता है, आप भी चेंज करा करो ना भजन। तुम्हारी सास तुलसी की फेरी लगाती थी, तुम लगा रही हो कि नहीं लगा रही, बोलो जम के बोलो, लगा रहे। तुम्हारी सास सोमती अमावस्या की पूजन करती थी, तुम करते हो कि नहीं करते हो, करते। वारकरी करने वाले, बारी करने वाले यहां आते हैं, बारी करते करते यहां के हरि विट्ठल का दर्शन करते हैं। कई वारकरी ऐसे हैं जिनके दादा वारी में जाते थे, उनका बेटा वारी में जाता था, उनके बेटे का बेटा वारी में जाता था, और कई वारकरी ऐसे हैं जिनकी 8-8, 10-10 पीढ़ी निकल गई, आज भी उनका घर का व्यक्ति वारकरी यहां तक आता है पैदल। जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंडरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है और कई सालों से आ रहा है, उस घर की दहली की मात्र मट्टी ही मस्तक पर लगा रहे तो हरि विट्ठल का दर्शन हो जाता है।